महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते के ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायक जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए इस शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले और पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने की आत्मशक्ति प्रदान करने वाली ऐसी हमारी माता माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए समाज में पैदा हुए समस्त संत गुरु वीर वीरांगनाएं सभी के चरणों में नमन करते हुए भारत में रहने वाले सभी शोषित पीड़ित दबे कुचले गरीब सभी को मत अधिकार दिलाने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पे आसीन सभी वक्तागण विद्वानगण प्रोफेसर रतनलाल जी आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और मंच के सामने दर्शक दीर्घा में आए हुए मेरी माताएं बहने बुजुर्ग साथी आप सभी को सतीश बोध का क्रांतिकारी जय भीम जय भीम का इस्तकबाल अगर जय भीम से ना हो तो बात में दम नहीं आता और अगर जय भीम में रवानी ना हो तो शरीर में जवानी नहीं आती और हलक से बात निकले और शरीर में ऊर्जा पैदा ना हो तो ऐसी जवानी भी किसी काम नहीं आती दोनों हाथ ऊपर करेंगे मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करेंगे दोनों हाथ करेंगे बेटा बोलेंगे ये जो जितने पत्रकार भाई है ना आपको बड़ा बेहतरीन मसाला मिलने वाला है मस्त मसाला मिलेगा मजाक नहीं कर रहा हूं बड़ी गंभीर चिंतन करने के बाद आपके बीच में आया हूं और बहुत सारे लोगों के कपड़े फाड़ के नंगा करके उनकी असलियत और असली चेहरे आपके सामने आज दिखाने आया हूं उम्मीद तो बहुत गंभीर थी सोचा तो बहुत लंबा था परंतु अपने ही धोखा दे गए अपने ही धोखा दे गए नीले रंग का तमगा पहनकर हम ही को धोखा देने वाले लोगों ने कल रात ही मीटिंग कर ली और कहा कि अगर कोई सतीश बोध के साथ चला गया तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा कलेजे में आग लग गई जब दिल्ली प्रदेश के वो अध्यक्ष जिनके लिए हम जान न्योछावर करते हैं जिनके लिए हम रात दिन लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं और उन्होंने कहा कि जो सतीश बोध के साथ जाके खड़ा हो गया तो पार्टी से बाहर निकलवा देंगे बहुत अच्छा किया तुमने ऐसा कर दिया बहुत बहुत साधुवाद लेकिन आवाज कैसे रोकोगे ईवीएम की बात चल रही है तो ईवीएम तो यकीन मानिए बाबा साहब ने कहा था कि अब तो राजा रानी के पेट से नहीं मेहतरानी के पेट से हो जाएगा लेकिन इन मनुवादी ताकतों ने ना तो राजा रानी के पेट से पैदा होने दिया ना मेहतरानी के पेट से पैदा होने दिया इन्होंने तो ईवीएम के गर्भ से राजा पैदा करने शुरू कर दिए और आलम ये है अब तो मनुवादी लोग नवरात्र में चिल्लाएंगे जयकारा ईवीएम मैया का बोर इलेक्शन के दरबार की जय ये जो इलेक्शन कमीशन है इनकी चुनाव आयोग की इलेक्शन कमीशन की केंद्र सरकार की बीजेपी की आरएसएस की और भारत की सबसे बड़ी अदालत की जो मिली भगत है वो मैं आज आपके सामने जरूर रखूंगा होगा क्या ये सारे लोग हो सकता है कि मेरा इंतजाम कर दे कर दो इंतजाम लेकिन इंतजाम करने से पहले मैं तुम्हारी गठिया ना बांध दी तो मेरा नाम भी टाई वाला सतीश बोध नहीं गठिया बांध के जाऊंगा आज लेख मैं सारे औजार लाया देखो पूरी रात पढ़ाई करी है मैंने और लिख करके लाया बाकायदा और तसल्ली से बताऊंगा जल्दी में तो नहीं हूं
फुर्सत में हो, भूख भूख तो नहीं लग रही, लग रही हो तो भैया मिलेगा कुछ नहीं, मेरे पास नहीं पैसे वैसे, पानी का भी जुगाड़ अपने आप ही करना पड़ेगा, यहाँ दुकानें होंगी तो पानी वानी पी लेना, मेरे पे पानी पिलाने के भी पैसे दे। इतिहास इस बात का गवाह बना कि सत्ताओं का हस्तांतरण तलवार की धार पे होता रहा, इतिहास इस बात का गवाह बना कि सत्ताओं का हस्तांतरण गोली की नोक पे होता रहा। राजा बनने के लिए केवल एक ही क्वालिफिकेशन हुआ करती थी कि आपको राजा बनने के लिए रानी के पेट से जन्म लेना होगा, यही एक क्वालिफिकेशन थी। अगर आप रानी की औलाद हैं तो आप पहले राजकुमार बनेंगे, फिर उसके बाद आप बादशाह बन सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन हुआ करते थे। जनसाधारण में बैठे हुए लोगों को, जनसाधारण में आए हुए लोगों को कोई हक नहीं था कि वो सपना भी देखें कि वो बादशाह बन सकते हैं, वो राजा बन सकते हैं, उनके पास कोई हक नहीं था कि वो भी राजा बने। लेकिन फिर भी जनसाधारण में से अगर किसी को राजा बनना हो तो वो एक काम कर सकता था, वो अपनी शक्ति बढ़ाए, शक्ति इतनी बढ़ाए कि राजा का कत्ल कर दे, राजा का कत्ल कर दे और राजगद्दी हासिल कर ले। तो ऐसे किया जा सकता था, जैसे फरीद खान शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत के बाहर खदेड़ दिया और मुगलों का शासन समाप्त करके अपनी सत्ता स्थापित की, भले ही हुमायूं बाद में जीत करके आ गया था लेकिन उसने खदेड़ दिया था। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त दोनों ने मिलकर के नंदवंश के शासक का अंत किया, उसके पश्चात सत्ता स्थापित की, ये सब हुआ करता था राजतंत्र, ये सब राजतंत्र था। लेकिन भारत में एक ऐसा महामानव पैदा हुआ जिसने तलवार की धार को प्यार मोहब्बत भाईचारे में बदल दिया, जिसने गोली की नोक को आपसी मेलजोल मित्रता बंधुत्वता में बदल करके ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी कि अगर किसी को आपका बादशाह बनना है, आपका राजा बनना है, तो उसे आपसे मोहब्बत से बात करनी होगी, उसे आपसे प्यार से बात करनी होगी, उसे आपके साथ उतना मिलनसार होना ही होगा जितना मिलनसार वो हो सकता है। ऐसी व्यवस्था का पैदा करने वाला और कोई नहीं था, वो थे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वही थे। लोकतंत्र का अधिकार दिया आपको, ऐसा अधिकार दे दिया कि वोट डालते हो कि सत्ताओं का परिवर्तन हो जाता है, जिसे चाहो बादशाह बनाओ, जिसे चाहो बादशाह से हटा दो, ऐसी ताकत आपके हाथ में दे दी थी। ऐसे विशाल व्यक्तित्व का धनी आदमी जिसने वोट का अधिकार आपको दिया। लेकिन अगर मनुवादी ताकतों की बात करें, मनुस्मृति की बात करें, और भारत के जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, स्वतंत्रता की बात हो रही थी और देश में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, उस समय भी उन लोगों को वोट डालने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे या राजे रजवाड़ों से संबंध रखते थे, रियासत वाले हुआ करते थे या जिनकी जमीनें हुआ करती थी। आप लोगों को तो वोट डालने का भी हक नहीं था, लेकिन ये बाबा साहब थे जिन्होंने आपको वोट डालने का हक दिया। अब वोट डालने का हक मिल गया, बड़ी अच्छी बात हुई, ठप्पा लगाते थे सरकारें बदल देते थे, ठप्पा नहीं लगाते थे सरकारें आती थी जाती थी, आप निर्णय लेते थे। हुआ क्या फिर 1989 में पहली बार कांग्रेस के लोगों ने उस बैलेट पेपर को हटा दिया और एक नई व्यवस्था लेकर के आए, उस व्यवस्था का नाम था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम मशीन जब आई तो उसमें बटन दबाया जाता था, एक लाल रंग की पत्ती चलती थी और एक लंबी सीटी बजती थी, उसके बाद ये होता था कि हाँ वोट हो गया। इसी प्रणाली से वोट होते रहे, 10 साल बीते, 15 साल बीते, 10 साल राज किया कांग्रेस ने, 5 साल राज कर चुकी है बीजेपी। लेकिन एक दिन आपके समाज के लोगों को महसूस हुआ कि मैंने जो बटन दबाया है, अगर मैंने बटन दबाया है ऑटो रिक्शे का, तो वोट ऑटो रिक्शे को ही जानी चाहिए, गई या नहीं गई, इसका प्रमाण क्या है। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने बटन दबाया ऑटो रिक्शे का बटन दबाया, तो वोट कहां जानी चाहिए? ऑटो रिक्शे को वोट जानी चाहिए, लेकिन आपको प्रमाण मिला क्या उस ईवीएम से? कोई प्रमाण नहीं मिला। ये वाली बात जान गए आपके समाज के विद्वान लोग और उन्होंने 2013 में मुकदमा डाल दिया। कहां डाल दिया? सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय में जब मुकदमा डाला तो सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को तलब कर लिया कि आ जाओ भाई। जैसे चुनाव आयोग वहां पहुंचा, पूछा गया कि भाई ये बताओ ऐसा क्यों हुआ, तो चुनाव आयोग बगले झांकने लगा। चुनाव आयोग ने कहा भाई इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा, उस रास्ते का नाम रखा वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल प्रिंटिंग ऑडिट ट्रे, ये रखा उसका नाम। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक सवाल आया, 1989 में पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करते रहने के पश्चात 2013 में जाकर के ये पता चला कि ईवीएम में बटन दबाने पर वोट कहां गई इसका प्रमाण नहीं मिलता। तो जब ये मशीनें डिजाइन की जा रही थी, खरीदी जा रही थी, बनवाई जा रही थी, तो क्या उस समय चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के लोगों की आंखें फूट गई थी, कान बहरे हो गए थे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था? क्या उस समय लोगों ने टेस्टिंग नहीं की थी कि ईवीएम का बटन दबाने पर कोई भी प्रमाण नहीं मिलता? उस समय इनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी? हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के 20 साल बर्बाद करने के बाद पता चला कि उसमें कोई प्रमाण ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को यह पता नहीं था? ये सब पता था, लेकिन लंबे समय तक आपके सर पे जूता रख के राज करने की जो मंशा थी, उसने आपके साथ धोखा करने के लिए चुनाव आयोग को विवश किया। और चुनाव आयोग और कांग्रेस के लोगों ने, बाद में बीजेपी, दोनों ने, इन दलों ने मिलकर के लोकतंत्र की ना सिर्फ हत्या की है, आपके लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का काम किया है, बाबा के द्वारा दिए गए अधिकार को छीनने का काम किया है। इन्हें पता सब कुछ था मित्रों, ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं था, सब पता था। बहुत विद्वान लोग बैठे होते थे, चलो कोई बात नहीं, ये वाला मुद्दा भी हुआ तो ये इन्हें पता होना चाहिए था। लेकिन 2013 में एक मामला और आया कि भैया वीवीपैट लगाओ, वोटर वेरीफाइबल प्रिंटिंग ऑडिट ट्रे लगाओ, इसे भी लगाओ। अब ये क्या चीज है? जैसे ही आप मशीन का बटन दबाओगे तो दूसरी मशीन वीवीपैट की उससे जोड़ी जाएगी, तो तुरंत एक 6 इंच की पर्ची छपेगी जो स्क्रीन पे दिखाई देगी, जिस पे चुनाव चिन्ह छपा होगा, पार्टी का नाम छपा होगा और प्रत्याशी का नाम छपा होगा। तो अब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे वोट गई तो गई कहाँ, ये आपको पता लग जाएगा, बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी चुनाव आयोग ने पूरे भारत में वीवीपैट नहीं लगाया, पूरे भारत में, आसाम में जाकर के 7 जिलों में वीवीपैट लगाया, केवल 7 जिलों में। वो जिले कौन से थे मैं बता देता हूं जिसमें लगाया, कामरूप में लगाया, काचर में लगाया, धबरी में लगाया, बॉन कैचुएन में लगाया, तेजपुर में लगाया, जोरहट में लगाया, गोलपारा में लगाया, ये 7 जिले थे जहां वीवीपैट लगाया। और बाकी पूरे देश में क्यों नहीं लगाया 2014 के चुनाव में, वही क्यों लगाया जबकि आदेश ये थे कि पूरी तरह से पूरे देश में वीवीपैट लगना चाहिए, लेकिन वीवीपैट नहीं लगाया गया। अब ध्यान से सुनना जो कहने जा रहा हूं, जिला सत्र न्यायालय ने अगर आपको कोई आदेश दिया और उस आदेश का पालन आपने नहीं किया तो आपके साथ क्या होगा? वारंट जारी हो जाएंगे, समन जारी हो जाएंगे, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। छोटी निचली अदालतों का ये है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि जाओ और पूरे भारत में वीवीपैट लगा करके 2014 का चुनाव करवाओ, लेकिन वीवीपैट नहीं लगाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर दी गई। अगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर दी जाए
तो ये बताओ चुनाव आयोग के ऊपर मुकदमा या महाअभियोग चलाया जाना चाहिए था या नहीं? बोलो ये सुन दो, चलाया जाना चाहिए था लेकिन क्या चलाया गया? नहीं चलाया गया। इसका मतलब ये हुआ अगर कुत्ते को देख करके बिल्ली ना भागे और अगर बिल्ली को देख करके कुत्ता ना भोंके तो समझ लो कुत्ते और बिल्ली की सेटिंग हो गई है, सेटिंग हो गई है। अब जब वो सेटिंग हो गई, चुनाव हुआ 2014 का चुनाव बिना वीवीपैट के हुआ, आसाम में लगाए 7 मशीनें केवल, बाकी पूरे देश में मशीनें नहीं लगाई, और विनर कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, टीवी पर आकर के मोदी राहुल को गाली देता है, मोदी राहुल को पप्पू कहता है, राहुल मोदी को फेफू कहता है, ये आपको और मेरे को पागल बनाने वाला खेल है। कौन कहता है पर्दे के पीछे बैठकर इनके गिलास गिलास से नहीं टकराते होंगे? कौन कहता है? कौन कहता है ये दोनों बैठ के डाइनिंग शेयर नहीं करते होंगे? कौन कहता है इन लोगों की आपस में सेटिंग नहीं होगी? 10 साल तुमने कर लिया बेटे, आगे का राज हम करेंगे। अमित शाह खुले मंच पर बोलता है खुला खेल फरुखाबादी, 50 साल राज करेंगे। कौन कहता है? अमित शाह द रियल गुंडा ऑफ दिस कंट्री। वो कह रहे हैं यहां कि 50 साल राज कर, 50 साल राज करोगे वो भी लोकतंत्र में? इतना आत्मविश्वास कैसे पैदा हो गया? अपने आप नहीं आ सकता ये कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए माता ईवीएम का आशीर्वाद अवश्य चाहिए। और अगर माता ईवीएम का आशीर्वाद चाहिए तो आपको लोकतांत्रिक नारियल इलेक्शन कमीशन की चौपट पे जाके फोड़ना ही होगा, जो कि बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, दुर्गा वाहिनी के लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने, श्री राम सेना के लोगों ने फोड़ रखे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस है। चलो जी बात आगे बढ़ी, नहीं लगाई वीवीपैट कोई बात नहीं, चुनाव जीत गए। अब मजे की बात बता रहा, यहां से पहला तीर छोड़ रहा हूं, पहला ध्यान रखना बड़ी गंभीर बात है, पहला ध्यान से सुनिए जी। हाँ यार मिल गया, चुनाव कब हुए थे? शुरू 7 अप्रैल 2014 को, और खत्म कब हुए थे चुनाव? 12 मई 2014 को। ध्यान से सुनना, बात पेचीदा है, कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। 7 अप्रैल से 12 मई तक चुनाव चले और फिर कोई जीत गया। जून 2014 यानी कि मई 12 को चुनाव खत्म हुए, जून 2014 में इलेक्शन कमीशन ने 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ये कहकर डिस्ट्रॉय कर दिया कि ये पुरानी है, स्क्रैप माल है, रद्दी माल है, बेकार माल है। जिन मशीनों में आपके वोट छिपे हुए थे, जिन मशीनों से ये पता किया जा सकता था कि किसका वोट कहां पड़ा हुआ है, मई में चुनाव खत्म होते ही जून में 9 लाख मशीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मेरा सवाल यह है क्यों किया गया? अगर ये मशीनें खराब थी तो 2014 के इलेक्शन होने से पहले इन्हें डिस्ट्रॉय करके नई मशीनें खरीदते? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, कहते रहो, करंट खत्म हो जाएगा मेरा। हाँ हाँ हूँ, हुंकार भरते रहो, कम से कम मैं समझता रहूं खोपड़ी में बात जा रही है। 9 लाख मशीनें डिस्ट्रॉय की गई, पूरे देश में से किसी ने आवाज नहीं उठाई कि क्यों खत्म करी गई ये मशीनें। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि मशीनों में गड़बड़ी थी, बीजेपी को जिताया था, जिताया जाना था, वो जिता दिया,
सबूत को रद्द कर दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसे कहते हैं रणनीति, समझ गए? ये इतने चालाक फिर क्या हुआ? कोई तो सवाल करेगा, यहाँ पता गड़बड़ क्या हो रही है? बेमतलब के मुद्दों पर टनों में कुंटलों में हम इकट्ठे हो रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। मतलब की बात तो करें, यकीन जानना मतलब की बात करने के लिए अगर हम सड़कों पर आ गए, चुनाव आयोग नहीं ये पूरा भारत नहीं दुनिया कांपती है, पूरी दुनिया हिलती, इतनी ताकत है आपकी, ये जो बैठे ताकत है आपकी इतनी। लेकिन हम मत पहचानो अपनी ताकत, इसमें मेरी गलती थोड़ी होगा क्या? मैं भी थक के एक दिन अपने घर बैठ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बोलकर आपके बात करके राजनीति करने थोड़ी आए होंगे यहाँ, या मैं किसी राजनीतिक पार्टी से थोड़ी ना बात कर रहा हूँ, या मुझे नेता बनना है, मैं आपसे वोट मांग रहा ना, ये तो मैं जानकारी देकर के आपको जगा रहा हूं। जाग जाओ भाई। आप ये कह रहे हो कि हम वोट डाल के बड़े परिवर्तन कर देंगे, बहुत भारी संख्या में वोट डालो, डाले जाओ। वोट डालने वाली जो मशीन है, मशीन नहीं है, डायन है। डायन पूरा समाज तो वोट डाल जाता है, पर ईवीएम डायन वोट खाए जाते हैं, खाए जाते। ये दिवस देगी, खा रही है ये वोट, खा रही है, नहीं छोड़ेगी। बात आगे बढ़ी, बीजेपी जीत गई। अब जब बीजेपी जीती तो फिर चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में 17 में। अब 17 में चुनाव होने थे, जब चुनाव 17 में होने वाले थे तो फिर से आदेश आए सुप्रीम कोर्ट के। क्या आदेश आए? कि उत्तर प्रदेश में वीवीपैट लगाओ। उत्तर प्रदेश में भी वीवीपैट नहीं लगाए गए, लगभग 25 बूथों पर वीवीपैट लगाया गया, और जिन बूथों पर वीवीपैट लगा वहां पर बीजेपी औंधे मुंह गिरी, और जहां पर वीवीपैट नहीं लगा जैसे देवबंद, जहां मुसलमानों की संख्या सबसे भारी है, जहां दलितों की संख्या सबसे भारी है, या तो समाजवादी पार्टी जीते या बहुजन समाज पार्टी जीते, बीजेपी का तो नामो निशान वहां पर नहीं था। जहां बीजेपी की चिड़िया नहीं उड़ती थी वहां बीजेपी का हवाई जहाज उड़ गया। बजा ले तुम्हें तो ये भी नहीं पता ताली कब बजानी है। मैं कहती ये तो समझ लो बात कौन सी चल रही है, मतलब वो सतीश ओ बहुत बढ़िया, समझो पहले बात समझो यार, बात बड़ी गंभीर है। मतलब जहां पर वोटर ही नहीं है बीजेपी का, वहां उनकी सीट निकल गई। कैसे कैसे निकल गई? आशीर्वाद किसका था? ईवीएम मैया का, समझ गए? जयकारा ईवीएम मैया का, बोल इलेक्शन कमीशन के दरबार की जय। बात आगे बढ़ी, वहां भी वीवीपैट नहीं लगा, आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानी, हो गया धोखा। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मिले हुए कितने हैं। अब यहाँ से एक नया तीर छोड़ रहा हूँ, पहली बात तो समझ में आ गई 9 लाख मशीनें डिस्ट्रॉय की। अब दूसरा सुनो ध्यान से, अच्छा ये वाली बात अगर ध्यान से नहीं सुनी तो समझ में नहीं आने की, दिमाग बिल्कुल यहाँ रखना एकदम मेरे सामने, चश्मे से चश्मे टकराते ऐसे मान लो बस बात, आंखों से आंखें टकरा जाता तभी आइए समझ में। जो भारत सरकार की चुनाव आयोग है ये दो कंपनियों से मशीनें लेती है, ईवीएम मशीन दो कंपनी, एक तो है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, दूसरी है ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये दो कंपनी है जो क्या बनाती है? ईवीएम। किसके लिए बनाती है? चुनाव आयोग के लिए। अब ध्यान से सुनना, बात गंभीर हो रही है। 2010 से लेकर 2017 के बीच में बीईएल, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कह रहा हूं, आरटीआई डाली कहां? बीएल में भी डाली, ईसीआईएल में भी आरटीआई डाली, और एक आरटीआई डाली हमने यहां मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, तो 3 आरटीआई हो गई। अब आरटीआई में हमने पूछा क्या? हमने पूछा आरटीआई में कि कितने कंट्रोल यूनिट, कितने बैलेट, अच्छा कंट्रोल यूनिट बताना पड़ेगा, बैलेट यूनिट वो होता है जब बटन दबाते हैं, उसे बैलेट यूनिट क्या कहते हैं?
और वो मशीन जो चुनाव आयोग के अधिकारी के पास रखी होती है छोटी सी, जिसमें आपकी वोट स्टोर होती है, उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, वो उनके पास होती है। तो दो मशीनें होंगी। बीएल को जब बांट दिया जाली, हमने पूछा कि कितनी मशीनें थी चुनाव आयोग को, तो बीईएल ने कहा 1,25,000 कंट्रोल यूनिट थी, 1,90,000 वैलिड यूनिट थी। किसने कहा? बीईएल ने। कौन से पीरियड में? 2010 से 17 के बीच की बात चल रही है, ध्यान से सुनना। अब आरटीआई डाली, हमने ईसीआईएल से पे यही बात पूछी, तो ईसीआईएल ने दो खेप भेजी। पहली खेप थी कंट्रोल यूनिट की 2,11,875 कंट्रोल यूनिट थी और 2,22,925 यूनिट थी बैलेट यूनिट की। दूसरी खेप आई, किससे आई? ईसीआईएल से। किसको गई? इलेक्शन कमीशन को। कितनी? 3,07,030 कंट्रोल यूनिट और 4,97,348 बैलेट यूनिट गई। समझ गए? इस तरह से बीएल और सीएल दोनों को जोड़ दूं तो टोटल कंट्रोल यूनिट जो इन कंपनी से इलेक्शन कमीशन ने ली, कंट्रोल यूनिट गई 6,43,905 और बैलेट यूनिट गई 9,10,273। बात समझ में आ गई? अब यही आरटीआई हमने डाली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। हमने पूछा भाई तुमने खरीदी कितनी, कि उन्होंने तो इतनी बेच दी आपको, तो तुमने कितनी खरीदी? अगर मैंने, आप दुकानदार हो, मैंने आपसे 1 किलो चीनी खरीदी तो आपने कितनी चीनी बेची? हेलो, 1 किलो बराबर होगा ना? ठीक, तो बराबर होना चाहिए था। मिनिस्ट्री से हमारे पास हड्डी आई, वो कह रहा है बैलेट यूनिट इन्होंने खरीदी 13,95,306। ध्यान से सुनना, 13,95,306 क्या खरीदी? बैलेट यूनिट। और कंपनी ने बेची कितनी थी? 9,10,273। फर्क कितने का पड़ा? 4,85,033 बैलेट यूनिट फालतू थी। ये कहां से आई? हेलो, पैसे खा गए? ना 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 ना, बात पैसे की नहीं है। फिर से सुनो, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई गुरु? 9,10,273 बैलेट यूनिट बेची गई इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने खरीदी 13,95,306 यानी के 4,85,033 मशीनें ज्यादा खरीदी। कहां से आई? नकली मशीन। अब समझो मेरी बात। वोट डाल दिया, आज वोटिंग खत्म हो गई, अब गिनती कब होगी बताओ जरा? है जी, 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, 12-13 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद, ऐसे होती है। अब आपकी वोट किस में है? कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट किसके कंट्रोल में है? इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। ओरिजिनल कंट्रोल यूनिट को बदल करके उनके द्वारा सेट की गई कंट्रोल यूनिट में नहीं बदला जा सकता, इस बात की क्या गारंटी? हेलो, बदल जाएगा, इसीलिए तो ज्यादा खरीदी ना। हेलो, इसीलिए तो ज्यादा खरीदी। मतलब बेचने वाला कह रहा है मैंने कम दी है, खरीदने वाला कह रहा है मैंने ज्यादा ली है, तो खेल समझ में नहीं आता। और सुनो, ये दस्तावेज है मेरे पास, आरटीआई है, प्रॉपर आरटीआई, जिसे चाहिए ले लेना। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, इतने बड़े मंच पे खड़ा होकर के दिल्ली में बात कर रहा हूं, ये एक भी बात गलत बोलू तो जेल में ठूंस देगी मुझे पुलिस। सत्य बोल रहा हूं, एकदम सत्य बोल रहा हूं। तो जिसे चाहिए वो मिलेगा मेरे पास। ये दूसरी गंभीर बात समझ में आ गई? हेलो, आ रही है नहीं आ रही? अब एक और सुनो, अब यहां किसी ने कहा गुरु मामला पैसों में भी गड़बड़ है, पैसों में गड़बड़ है। अब सुनो ध्यान से, 2006-07 से 2016-17 के बीच में बीईएल कह रहा है, बीईएल कह रहा है कि हमें 652,56,44,000 रुपए मिले, बेचने के एवज में मिलेगा ना पैसा। किसने कहा ये? बीएल ने कहा कि 652 करोड़
56,44,000 मिले हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है 536,01,75,485 हैं। फर्क आ रहा है 116,54,69,515 रुपए का। ये गया कहां पैसा? कौन जिम्मेदार है इस पैसे का? ये मालिक हैं जो बैठे हुए, ये मालिक। जब मालिक अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं करता ना, कुत्ते भी मुंह मारना शुरू कर देते हैं। समझ गए? तो ये आपकी प्रॉपर्टी, देश किसी मनुवादी का। ये मनुवादी तो विदेशी है, ये तो बाहर से आए थे, आ रहे बाहर से। ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारी है, और इस जमीन को लुटेरे लूट रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा। तो ईवीएम की गड़बड़ी बताई, मशीनों की नंबरिंग में, रुपए पैसे में गड़बड़ बताई। अब एक मजेदार, आप कहोगे लोंडे ने तो ज्यादा ही पढ़ाई कर ली भाई। अब मजे की बात सुनो, ईवीएम आती जाती कैसे है? ट्रक में भर के, ट्रक सामान्य ट्रक नहीं होता, इसमें कंटेनर समझ गए, कंटेनर होते हैं। अब ध्यान से सुनना, मजे की बात बता रहा हूं। दो तरह के कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर का साइज है 32x8x8 ये साइज है किसका? कंटेनर का। ये बड़ा वाला कंटेनर होता है। इस कंटेनर में 199 पैलेट यूनिट आ सकती है। फिर से सुनना, स्टैंडर्ड साइज के कंटेनर का 32x8x8 इसमें पैलेट यूनिट कितनी आ सकते हैं? 199। और कंट्रोल यूनिट कितनी आ सकते हैं? 261। ये साइज है, समझ गए? एक दूसरा साइज के कंटेनर का 20x8x8 का, जिसमें कंट्रोल पैलेट यूनिट आ सकती है 124 और कंट्रोल यूनिट आ सकती है 163। बीएल पता क्या कह रहा है? पर कंटेनर 320 से 400 यूनिट डिस्पैच करी है हमने। मतलब ट्रक की क्षमता 199 या 261 है, तो 320 से 400 कैसे डिस्पैच करती, मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो बात कितनी गंभीर है? लुटेरे बैठे हैं, लुटेरे लुटेरे। अभी तो मैं ईवीएम की तकनीकी पे आया ही नहीं हूं, अभी तो मैं ये बता रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी की तरह ये नहीं कह रहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है ना, मैं कह रहा हूं ईवीएम तो गड़बड़ है ही है, ये पूरा सिस्टम गड़बड़ है, पूरा मामला गोलमेल हो रखा है। मैं तो इनके कपड़े फाड़ रहा हूं, और जिसे डर लग रहा हो कपड़े फड़वाने से, तो आ जाओ और बहस करो और मुझसे सबूत मांग लो। बकवास करने नहीं आया, समझ में आई बात? यहां तक कि मैं ट्रक का साइज लेके बैठा हुआ हूं, यहां करके ट्रक में आ रही कितनी यूनिट है। तुम हमारा पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, है हमें जो है बुड़बक समझे हो? बुड़बक नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और मतलब की बात करना चाहते हैं। अब एक बेहतरीन बात, एक और तीर गंभीर वाला, क्योंकि मैंने कल भी बताया था ऑनलाइन की वो वाली बातें करूंगा जो नॉर्मल होती नहीं है। अब ध्यान से सुनना, बात बड़ी गंभीर कह रहा हूं। जो मशीन 1989 से 2000 के बीच में आई, ध्यान से सुनना, बात बड़ी प्यारी है की बात। जो मशीन 1989 से 2000 के बीच में आई, उस मशीन की क्षमता पता है कितनी थी? उसमें 64 कैंडिडेट आ सकते थे, 64 मशीन पे, यानी कि 64 बटन लग सकते थे, और वोट पड़ सकती थी 3,902। तो ये मशीन 1989 से 2000 तक चली थी। अब ध्यान से सुनना, 2014 और 15 क्योंकि बीजेपी को जितवाना था, 2014 क्यों? क्योंकि बीजेपी को जितवाना था। 2014 में क्या कर दिया? कैंडिडेट 64 नहीं, 384 हो सकते थे। हेलो, वो कैसे होते थे? वो कई मशीनों को आपस में जोड़ करके उन्हें 384 बनाया जा सकता था। यानी कि 2000 तक तो केवल 64 कैंडिडेट थे, और 2014 में 384 कैंडिडेट हो गए। जानते क्यों? ताकि आपके समाज में इतने सारे डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं कि आपके समाज की वोट कट जाए और एक तरफा डिसीजन हो जाए उसको मिले। समझ रहे हो? 2014 में, और एक मशीन में पता है कितनी वोट पड़ सकती? केवल 2000।
2000 तक 3902 वोट और 14 और 15 में 2000 वोट पर मशीन, 2014 में एक और मशीन लॉन्च करी इन्होंने। इसके साथ साथ जिस मशीन में 60 कैंडिडेट आ सकते थे और वोट पड़ सकती थी एक मशीन में 8000। हेलो, नहीं आई बात समझ में? अगर एक मशीन में केवल 2000 वोट पड़ेगी तो वोट कम रह जाएंगी, तो ऐसी मशीन बनाओ जिसमें ज्यादा वोट पड़ सकती हो। तो मशीन बनाई, 8000 वोट डाली जा सकती थी, तो बनाई 2014 और 15 में। ये लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये भ्रष्टाचार खत्म करने वाले लोग कहते थे 1000 और 500 के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो उन्होंने 1000 और 500 के नोट बंद किए, 2000 का नोट लेकर लिया, तो भ्रष्टाचार घटाया, बढ़ा, बढ़ गया। तो जहां 2000 वोट पड़ती थी उसकी जगह इन लोगों ने 8000 वोट डालने की व्यवस्था कर दी। तो सोच के देखो, मेरा सवाल ये है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन है इस देश में? नहीं है। मतलब कोई मशीन 60 कैंडिडेट, कोई मशीन 384 कैंडिडेट, कोई मशीन 64 कैंडिडेट, किसी मशीन में 3902 वोट पड़ती है, किसी मशीन में 2000 वोट पड़ती है, किसी मशीन में 8000 वोट पड़ती है। तो दिमाग खराब हो गया क्या ईवीएम बनाने वालों का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने वाली इलेक्शन कमीशन का, कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है? अरे यहां तो कैसे कह दूं मैं, हर इंसान का अपना स्टैंडर्ड होता है, ये मशीनों का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करा रहा। अरे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्यवस्थापक होने के नाते इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया। अरे कम से कम एक मशीन ऐसी बनाते जो पूरे देश में लागू की जाती। इन लोगों ने मशीनें अपनी सुविधाओं के हिसाब से बनाई, जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी वैसी मशीन, जैसे लोग वैसी मशीन, यही षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कौन करेगा? ये जो काम मैं कर रहा हूं ना, ये काम आपके नेताओं का है। आपके नेता को तो नोट गिनने से फुर्सत नहीं है, वो पहले नीले गिने कर आप गुलाबी गिन रहा है, उसे नोट गिनने से फुर्सत नहीं है, वो तो स्कॉर्पियो से नीचे उतरने को तैयार नहीं। बात यही खत्म नहीं हुई, एक और बात सुनो, बात गंभीर होती चली गई, देख रहे हो? हाँ ठीक है, जयकारा ईवीएम मैया का, बोल इलेक्शन कमीशन के दरबार की।